जय हिंद दोस्तों, आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करूंगा। जैसा कि सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार को बिलोंग करते थे और उनका बचपन जो है वो दलित परिवार होने की वजह से बहुत बुरे तरीके से बीता। मनुस्मृति में चार वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके क्या क्या काम है ये सबको मालूम है। परंतु मनुस्मृति में ये भी लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जो वर्ण है ये जन्म से नहीं होते हैं, ये कर्म से होते हैं। परंतु लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पुराने समय की बात है, ये या तो अपर क्लास ने किया, सवर्णों ने किया, ये कर्म खत्म होते होते ये जन्म से होते हुए चले गए। और उसके बाद जो सवर्ण लोग थे उन्होंने, जो शूद्र लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शूद्र की छाया भी सवर्ण व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। शूद्र हर कुएं से जल नहीं पी सकता था, हर नलके से जल नहीं पी सकता था, उसका कुआं अलग होता था। अगर उसने गलती से पी लिया तो उसकी बहुत पिटाई होती थी। चप्पल पहन के वो सवर्णों के सामने नहीं चल सकता था, यदि उसके पांव में जूता या चप्पल हो तो सवर्ण सामने आ जाए तो उसको निकाल के और फिर उसको बिना उसके चलना पड़ता था। शादी विवाह में वो घोड़ी के ऊपर चढ़ के नहीं जा सकता था, उसको पैदल ही जाना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1891 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता फौज में सूबेदार थे, तो जब तक वो फौज में थे तब तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई। परंतु फौज से जब वो रिटायर हो गए तो वो सतारा में उन्होंने अपना निवास बनाया। सतारा में भीमराव और उनके बड़े भाई, ये दोनों स्कूल गए। स्कूल में वैसा ही व्यवहार, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पानी पीना है तो वहां का जो स्कूल का चपड़ासी है वो लोटे से दूर से आपके मुंह में पानी डालेगा बिना आपको छुए, आप नलके से पानी नहीं पी सकते। और यदि कोई कारण से चपड़ासी अवेलेबल नहीं है और आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी नहीं पीना मिलेगा, आप प्यासे रहेंगे, कोई इसका निदान नहीं है। छोटे तबकों के व्यक्तियों को, बच्चों को जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो सवर्णों के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उनको अलग बैठना पड़ता था। वो आसन भी अपना घर से लेके आते थे, एक जूट का मैट वो लेके आते थे साथ में। अच्छी क्वालिटी का मैट भी नहीं लेके आ सकते थे, जूट का ही होना पड़ेगा, उसी पे वो बैठते थे और अपना उठा के घर ले जाया करते थे। एक बार भीमराव ने छुप के, प्यास लगी थी, नलके से पानी पी लिया, पता चल गया, उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। ये समय था। उनके पिताजी को, परिवार तो रहा सतारा में, उनके पिताजी को जॉब मिल गया कोरेगांव में, तो परिवार को वो छोड़ के कोरेगांव चले गए। वहां पे वो अपना काम करने लगे, परिवार सतारा में रहने लगा। करीब 10 वर्ष की आयु थी भीमराव की, तो उनके पिताजी ने दोनों लड़कों को, भीमराव को और उनके बड़े भाई को, गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कोरेगांव बुलाया। कोरेगांव जाने के लिए उनको ट्रेन से जाना था, मसूर करके जगह थी, वहां पे ट्रेन उतरती थी। इन्होंने पिताजी को चिट्ठी लिख दी, हम फलानी ट्रेन से आ रहे हैं, बट इत्तेफाक से उनको चिट्ठी नहीं मिली तो वो उनको स्टेशन लेने नहीं आए। स्टेशन से कोरेगांव करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। अब वहां से जाने के लिए उनको बैलगाड़ी चाहिए थी,
जब लोगों को पता चला कि ये महर जाति के लोग हैं तो सब ने मना कर दिया, बोले हम अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठा के ले जाएंगे। वहां के स्टेशन मास्टर को इन दोनों बच्चों पे दया आ गई। एक बैलगाड़ी वान को उन्होंने कन्विंस किया कि भैया तू लेके चला जा, उसने कहा मैं दुगना तो दाम लूंगा और इन दोनों लड़कों को खुद ही बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी, मैं साथ में नहीं बैठूंगा, मैं पीछे पैदल चलने को तैयार हूं। तो दोनों लड़के मान गए, इन्होंने अपनी बैलगाड़ी में बैठ के वो आगे बढ़े, वो पीछे पीछे चलता रहा और दुगना दाम देके वो कोरेगांव घर पहुंचे। इसी तरह का जब ये खराब ट्रीटमेंट दोनों बच्चों को मिलता रहा या पूरे परिवार को मिलता रहा या सारे दलित समाज को मिलता रहा, तो भीमराव ने सोचा कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा जिससे कि मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं और समाज को भी बाहर निकालने की चेष्टा कर सकूं। 1904 में परिवार जो है वो सतारा से बंबई शिफ्ट हुआ। बंबई में एल्फिंस्टन स्कूल, उसमें उनका एडमिशन कराया गया। एल्फिंस्टन स्कूल में भी ये जो प्रेजुडिस था, जो दलित समाज के प्रति था, वो कंटिन्यू किया। पानी पीने की तकलीफ, बैठने की तकलीफ। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे। वहां पे जो ब्राह्मण टीचर था संस्कृत का, उसने मना कर दिया, बोले भीमराव को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो उनको फारसी पढ़नी पड़ी, उनके पास चॉइस नहीं मिली। वो संस्कृत का ज्ञान लेना चाहते थे कि मेरे को वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेना है, संस्कृत पढ़ूंगा तो वो ज्ञान मैं ले सकता हूं। बाद में उनको मौका मिला संस्कृत पढ़ने का, तो उन्होंने देखा कि संस्कृत में जो ज्ञान है वो फारसी से कहीं अधिक है, कहीं अधिक है। तो उनको बाद में मौका मिला संस्कृत से पढ़ाई कर, संस्कृत की पढ़ाई करने का। वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तो स्कूल में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिकुलेशन जब उन्होंने कर लिया तो ये पहले बच्चे थे महर समाज के जिन्होंने कभी स्कूल तक की पढ़ाई की थी, नहीं तो वहां तक उनके बच्चे स्कूल तो क्या शायद तीसरी चौथी पढ़ के खत्म कर दिया करते थे। तो स्कूल इन्होंने पास किया, तो इनको शायद किसी टीचर ने या उनके घर वालों ने उनको एक बुद्ध की जीवनी की एक किताब भेंट करी। उसके बाद ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में चले गए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इनका विवाह हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद ये बाहर पढ़ने जाने की इच्छा थी उनकी, अमेरिका पढ़ने जाने की इच्छा थी, पैसा नहीं था। तो बड़ौदा के महाराज ने इनको स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप इस पर्पस के लिए दी कि तुम जाओगे वहां पढ़ोगे और वापस आके बड़ौदा राज्य में नौकरी करोगे। तो ये वहां से कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी थीसिस लिखी, उन्होंने कुछ पेपर्स भी लिखे अनटचेबिलिटी के ऊपर, उन्होंने पेपर्स भी लिखे, पर इनका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। तो वहां पे उन्होंने थीसिस लिखी भारत का इकोनॉमिक इतिहास 1765 से आज तक। अमेरिका में उनको ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि वहां पे जो काले लोग थे उनका भी यही हाल था जो भारत में दलितों का था। काले लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उनको ये बहुत बुरा लगा, लेकिन वहां बैठ के वो कुछ कर नहीं सकते थे। अपनी वहां पे थीसिस कंप्लीट करके डॉक्टरेट लेके वो लंदन आए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एडमिशन लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो जो थीसिस वगैरह लिखना चाहते थे, डॉक्टरेट करना चाहते थे, तो उसकी वजह से वो लाइब्रेरी में सुबह से रात तक पढ़ाई करते थे। वहां के चौकीदार ने कमेंट भी किया, अरे भैया किताबें कहीं नहीं जा रही हैं, सब यही है, थोड़ा सा आराम कर लिया करो। अंबेडकर का जवाब था, भैया मेरे पास समय नहीं है आराम करने का, इसलिए मेरे को सुबह से रात तक यहां पढ़ाई करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली बड़ौदा महाराज की चिट्ठी आ गई, बोले स्कॉलरशिप तुम्हारी खत्म हो गई, अब तुम आके यहाँ पे सर्विस करो। तो इनको अपनी डॉक्टरेट की थीसिस वहां पे छोड़नी पड़ी और वहां से वो वापस भारत आ गए। वहां के जो प्रोफेसर थे जिनके अंडर में ये काम कर रहे थे,
उन्होंने इनको कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको 4 साल का समय देता हूं, तुम आके वापस आके अपनी थीसिस पूरी कर लेना और कोशिश करना कि तुम आ जाओ भारत में। जब वो लौट के आए, इत्तफाक से क्या हुआ कि ये एक दूसरे जहाज में आए, इनका सारा सामान एक दूसरे जहाज में आया। उस समय पहला विश्व युद्ध चालू हो चुका था, तो ये जिस जहाज में आए वो तो सही सलामत आ गया, लेकिन जिस जहाज में इनका सामान आ रहा था वो उसके ऊपर बॉम्ब गिर गया, वो जहाज डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। इनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि सामान का दुख नहीं था, लेकिन उसके अंदर उनकी सारी किताबें हुआ करती थी, जो किताबें उन्होंने अमेरिका में इकट्ठी करी थी, अमेरिका में और लंदन में, वो सारी किताबों का उनका नुकसान हो गया। जो भी इन्होंने लिखित काम किया था उसका सारा नुकसान हो गया। खैर, जो भी हुआ, अपने परिवार के साथ मिलके फिर ये बड़ौदा महाराज के चले गए वहां पे नौकरी करने के लिए। नौकरी करना शुरू करने के पहले इनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। ये जहां भी जाएं इनको जगह नहीं मिले रहने के लिए। हिंदू परिवार के पास जाएं तो बोले भैया मार है, मुसलमान परिवार के पास जाएं तो बोले ये तो मुसलमान नहीं है, पारसियों के पास जाएं तो बोले ये पारसी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक पारसी परिवार ने इनको डबल दाम पे जगह दी, लेकिन वो भी एक स्टोरेज के कमरे में, प्रॉपर कमरे में नहीं थी, स्टोरेज के कमरे में जगह दी और डबल दाम लिया। बड़ौदा महाराज के यहाँ इन्होंने अपना सर्विस किया, वहां पे भी उनका सेम ये प्रॉब्लम, पानी उनको कोई पिलाने के लिए नहीं, पानी अलग से उनको पीना पड़ता था। ये ऑफिसर थे तो ये ऑफिसर्स क्लब में जाया करते थे, इनकी टेबल अलग रहा करती थी, कोई इनके साथ नहीं बैठने को तैयार था। इनका जो कटलरी थी, प्लेट और कटलरी थी वो अलग थी, उसी कटलरी में लोग खाना नहीं चाहते थे। कोई हिंदू वेटर इनको सर्विस नहीं करना चाहता था, मुसलमान वेटर ही इनको सर्विस करता था। ऐसी स्थिति के अंदर इनको बहुत दिक्कत होने लगी। बहरहाल, इनके पिताजी का देहांत हो गया, घर गए, जब वापस आए तो वो पारसी परिवार ने भी इनको बाहर निकाल दिया, बोले भैया आप नहीं रह सकते यहाँ। इन्होंने कोशिश करी महाराजा से बात करके कि आप मुझे कहीं ना कहीं आप ठिकाना दे दीजिए, लेकिन महाराजा ने इसमें हेल्प नहीं किया उनको, तो इनको बड़ौदा छोड़ के बंबई आना पड़ा। बंबई में इन्होंने सिडनहम कॉलेज में इन्होंने प्रोफेसर की नौकरी ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां भी इनका इनके साथ गलत तरीके का व्यवहार हुआ करता था। एक बात मैं आपका बोलना भूल गया, इनका ओरिजिनल नाम था अंबा वाडेकर, भीमराव अंबा वाडेकर। इनके स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जिनको, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो उनको इनके प्रति बहुत सिंपथी थी, उनका नाम था अंबेडकर। तो उन्होंने स्कूल में इस बच्चे का नाम अंबा वाडेकर से अंबेडकर कर दिया और फिर ये अंबेडकर नाम से आगे चलते रहे। सिडनहम कॉलेज में जब ये पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक और महाराजा ने, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक और महाराजा ने इनको दो बातों के लिए सपोर्ट किया। एक तो ये कि अनटचेबिलिटी को के अगेंस्ट में जो भी इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके लिए इनको सपोर्ट किया। दूसरा, आप दोबारा से लंदन जाओ और अपनी थीसिस को पूरी करके आप वापस आओ। तो ये वहां से दोबारा लंदन चले गए। लंदन में अपनी जब थीसिस पूरी कर रहे थे तो एक दिन मेस में खाना खा रहे थे, वहां पे एक अंग्रेज लड़के ने इनके कपड़ों के ऊपर अपना खाना फेंक दिया। वो बोला भारतीय कुत्तों को यहां बैठने का अधिकार नहीं है, आप लोग सब बाहर बैठ के खाओ। अंबेडकर को बहुत बुरा लगा, उन्होंने उस अंग्रेज लड़के से माफी मंगवाई और उस लड़के को फाइनली माफी मांगनी पड़ी। वहां पे उन्होंने अपनी थीसिस पूरी करी, डॉक्टरेट किया, उसके बाद उन्होंने बारेट लॉ भी किया, तो इनकी बड़ी सारी डिग्री हो गई। तो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन हो गए। इन्होंने बंबई में बीए इन इकोनॉमिक्स किया, एमए इन इकोनॉमिक्स किया, फिर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स किया, फिर एमएससी इन इकोनॉमिक्स किया, फिर डीएससी इन इकोनॉमिक्स किया और फाइनली बार एट लॉ। पांच पूरी पढ़ाई के उन्होंने दौरान पांच थीसिस लिखी। एक एक थीसिस पे बहुत समय लगता है। इन्होंने पांच थीसिस लिखी। वापस आके वो इन्होंने अपना बहुत समय लगाया कि ये जो भी अनटचेबल समाज है इनको अवेयरनेस के लिए और इनके उत्थान के लिए वो क्या कर सकते हैं। एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका मेन पर्पस ये था कि सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, वो किस तरीके से उनको समझा के, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता के और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा पाए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, उनकी बात सुनी नहीं, तो ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। ये गांवों में जाने लगे लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए। एक गांव में उन्होंने ये कहा कि आज हम लोकल में जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर जाएंगे। दलित समाज नदी पे गए, नहाया, नहा के जब वो अंदर जाने लगे, वहां पे जो सवर्ण समाज था उन लोगों को मालूम चल गया, वो लाठी लेके आए और बहुत लड़ाई झगड़ा किया। डॉक्टर अंबेडकर को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए, उन्होंने दलित समाज को समझाया, भैया हमको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही रहना है, लॉ एंड ऑर्डर के बाहर नहीं जाना है, तो आज अपने छोड़ देते हैं, फिर कभी अपने इस काम को करेंगे। तो उन्होंने मंदिर में घुसने के लिए बहुत कोशिश करी लेकिन उनको अधिक फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार की तरफ से उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। एक बार ब्रिटिश सरकार ने इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया। उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस के गांधी जाने वाले थे और शायद एक आध नेता और जाने वाले थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अंबेडकर जी ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। वहां पे जाके उन्होंने दलित समाज की प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखा और कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार से दलित समाज के लिए कुछ हो। वहां तो कुछ नहीं हुआ, परंतु ब्रिटिश प्रेस में इनको बहुत पब्लिसिटी मिली, इनको बहुत पब्लिसिटी मिली और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये काम होना चाहिए। ये गांधी और कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये सोचते थे कि गांधी और कांग्रेस ने दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि जैसे उन्होंने मुसलमानों के लिए किया, सिखों के लिए किया, उनको दलित समाज के लिए भी करना चाहिए। परंतु गांधी जी की सारी सोच थी कि भैया कांग्रेस ने बहुत काम किया है दलितों के लिए, परंतु हिंदू सारे एक हैं, हम हिंदुओं में बंटवारा नहीं करेंगे। वो हिंदुओं में बंटवारा नहीं होने से दलित समाज के लिए कुछ भी होने की संभावना मुश्किल हो जाती थी। इसी समय एक मैटर को लेके, इलेक्शंस की बात थी, एक मैटर को लेके गांधी, अंबेडकर उनके अगेंस्ट में थे, गांधी बोले मैं तो आमरण अनशन करूंगा। गांधी के फॉलोअर्स अंबेडकर के पास गए कि आप मान जाओ, आप ये सब मत करो, क्योंकि नहीं तो गांधी जी तो आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। अंबेडकर को बहुत गुस्सा आया, ये तो कोई तरीका नहीं है। वो मना कर दिए, बोले मैं गांधी जी से जाके बात नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, वो गांधी जी के पास आए, परंतु गांधी जी की ये जो ब्लैकमेलिंग टेक्निक थी इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी थी। फाइनली गांधी जी को बचाने के लिए अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उनके पास फिर कोई चॉइस बची नहीं। तो उन्होंने फिर यही कर दिया कि भैया सीट्स को डिवाइड कर लिया जाए, इतनी सीट दलित समाज के लिए, इतनी सीट बाकियों के लिए। एक कमिटी बैठाई गई। वो सब होने के बावजूद गांधी जी ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। जब तक उस कमिटी ने डिसाइड नहीं कर लिया
कि इतनी सीट इसकी इतनी सीट इसकी, उसमें भी अंबेडकर को बहुत झुकना पड़ा केवल गांधी जी की वजह से। जब सारा डिसीजन हो गया और गांधी जी की जो चाहते थे वैसा ही डिसीजन हुआ, तो उन्होंने फिर अपना अनशन तोड़ा। परंतु अंबेडकर ने उनको जाके बोला कि जी इस तरह की टेक्निक आप प्लीज आगे ना अपनाएं। अंबेडकर ने कभी भी गांधी जी को संत नहीं माना, यही सब कारणों से उन्होंने कभी संत नहीं माना। वो हमेशा उनको मिस्टर गांधी कह के बुलाया करते थे, महात्मा गांधी उन्होंने कभी भी नहीं बुलाया। उनका कई कारण थे। मोपला मसाकर की कहानी सब लोगों को मालूम है, रंगीरा रसूल की कहानी सब लोगों को मालूम है। जब मैंने गांधी जी का एपिसोड किया था उस समय मैंने ये कहानी डिटेल में समझाई थी। उसकी वजह से गांधी जी से बहुत खफा थे। मुसलमान लोगों को, उनके जो लीडर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ये बोला करते थे कि उनका जो बिहेवियर है वो एक गैंगस्टर्स का मेथड ऑफ पॉलिटिक्स है, गैंगस्टर्स मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। और कांग्रेस को वो हमेशा बोला करते थे कि आप इनकी बातों को समझना क्यों नहीं चाह रहे हो, आप केवल अपीजमेंट करते हो, कहीं सेटलमेंट करने की कोशिश नहीं करते हो। गांधी जी की अहिंसा से ये बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। गांधी जी का अहिंसा का मतलब था टोटल सरेंडर, और इनका जो मतलब था ये सोचते थे कि अहिंसा का मतलब है कि जहां जरूरी हो वहां पे शस्त्र उठाना पड़ेगा। श्री कृष्ण का महाभारत, आप सेटलमेंट कीजिए, नहीं होता है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। गांधी जी ने कभी ये बात मानी नहीं, वो हमेशा ये टोटल सरेंडर की बात करते थे। अंबेडकर जी का हमेशा ये फीलिंग हुआ करती थी कि जो ये मुस्लिम्स हैं ये सारे के सारे इन्वेडर्स रहे हैं, और उनका सारा का सारा काम है भारत की सनातनी धर्म की जो नींव है उसको हिला देना, उनको जड़ से उखाड़ देना, क्योंकि ये उनकी कुरान में लिखा हुआ है। 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बिल्कुल अपीजमेंट कर दिया था, बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। उसमें उनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था, वो ये था कि जहां भी हिंदूज माइनॉरिटी में होंगे वहां पे जॉइंट इलेक्टोरेट की तरह से इलेक्शन होगा, परंतु जहां मुस्लिम माइनॉरिटी रहेगी वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट रहेंगे। मतलब क्या हुआ, उनकी सीटें अलग रहेंगी। हिंदू माइनॉरिटी में है तो हिंदू की सीटें अलग नहीं है, परंतु मुस्लिम माइनॉरिटी है तो मुस्लिम की सीटें अलग हैं। ये टोटल सरेंडर ये इनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। अंबेडकर का जो तबका बन गया था दलित समाज के अंदर, गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे, सोचते थे कि दलितों का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, कांग्रेस है और मैं हूं, अंबेडकर नहीं है। परंतु वो ये नहीं देखते थे कि दलित समाज का सारा सपोर्ट जो है वो अंबेडकर जी को है, उनको नहीं है। गांधी जी हमेशा वर्ण सिस्टम, मनुस्मृति का वर्ण सिस्टम नहीं, जो जन्म से वर्ण है उस सिस्टम को बिलीव करते थे। और यही जो चीज है ये अंबेडकर एग्री नहीं करते थे। उनका ऑफकोर्स मनुस्मृति की जो लिखा, जो लिखा था अंबेडकर ने, उन्होंने उनको गलत इंटरप्रेट किया, परंतु समाज में जो बन गया, तरीका बन गया, वो तरीका तो बन ही गया था। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अंबेडकर चाहते थे कि भैया हम ब्रिटिश के साथ मिलके काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यदि ब्रिटिश हिटलर से हार गए और हिटलर भारत के ऊपर आ गया तो ब्रिटिश से भी खराब होगा हिटलर, इसलिए हमको ब्रिटिश को सपोर्ट करना है। इसलिए नहीं करना है कि आज ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, केवल इसलिए करना है कि हिटलर नहीं आना चाहिए।
इंडिपेंड, उसके बाद सबको मालूम है 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेहरू बने और ये इंटरिम लॉ मिनिस्टर बने। इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एक छोटी कमेटी बनाई गई थी संविधान लिखने के लिए, ये उसके हेड थे, इनकी ये जिम्मेदारी थी। उसके साथ साथ ये हिंदू कोड बिल डालना चाहते थे, क्योंकि इनका जो भी, इनका जो बचपन का और बाद का इनका जो भी एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से चाहते थे कि भैया एक हिंदू कोड बिल। नेहरू फेवर में थे, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो पास नहीं हुआ। अल्टीमेटली एज ए लॉ मिनिस्टर इनको रिजाइन कर दिए। बाद में हिंदू कोड बिल आ गया, नेहरू के सपोर्ट से वो हिंदू कोड बिल आ गया, परंतु उस समय इन्होंने एज लॉ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। अंबेडकर हमेशा चाहते थे कि भैया देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वो भी अगेन इसमें गांधी जी की विचारधारा से एग्री नहीं करते थे। गांधी जी बोलते थे देश का डेवलपमेंट गांव के थ्रू होगा, इनकी विचारधारा थी कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अंबेडकर कभी नहीं सोचते थे कि देश का विभाजन होना चाहिए, परंतु धीरे 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 जो उन्होंने मुस्लिम समाज का रवैया देखा, उन्होंने देखा कि मुसलमान और हिंदू साथ में नहीं रह सकते हैं और उसकी वजह से विभाजन होना बहुत जरूरी है और होना चाहिए, ये उनका सोच में बदलाव आया था। वो सब कुछ करके, जैसा वो हिंदू समाज के फेवर में नहीं थे, वो मुस्लिम समाज के भी फेवर में नहीं थे। वो बोलते थे कि मुस्लिम समाज तो हिंदू समाज के और गया बीता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उसमें स्लेवरी भी है, कास्ट सिस्टम। मुस्लिम समाज बोलता है हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन उनका जो एक्चुअल फॉलोइंग है वहां भी कास्ट सिस्टम है, और उनकी जो सोशल इविल्स थी वो हिंदुइज्म से भी बहुत अधिक बुरी थी। फाइनली जो दलित समाज था, अंबेडकर ने उनको सबको इकट्ठा किया, बोले हम लोगों को हिंदुइज्म अब छोड़ना होगा। हिंदुइज्म छोड़ने की जब बात हुई, बहुत सारे लोग आए उनको समझाने लगे, लेकिन वो माने नहीं। फिर क्रिश्चियंस लोग आए, उनको समझाया कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। मुसलमान लोग आए, बोले आप मुसलमान बन जाओ। हिंदू महासभा के लोग आए, बोले जी आप मत जाओ। बुद्ध धर्म के लोग आए, बोले आप बुद्ध बन जाओ। फाइनली अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उनके साथ सारा का सारा जो दलित समाज था, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 अंबेडकर जी स्वर्ग से धार गए। अंबेडकर जी ने देश के लिए, खास कर दलित समाज के लिए, और दूसरा हमारे संविधान के लिए, संविधान लिखने के टाइम पे उन्होंने ये देखा कि जितने भी डिस्कशन हुए, अगर कहीं भी देश हित नहीं है तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। बोले ये देश हित नहीं है, चाहे मेजॉरिटी बोलती हो। तो उन्होंने कई जगह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्विंस किया कि ये चीज हमको संविधान में नहीं डालनी है। ये जो उनके कंट्रीब्यूशन थे हमारे देश के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 65 वर्ष की उम्र में ये यहां से चले गए और एक बहुत बड़ी हस्ती का हमारे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, सचिन खत्री जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। सचिन जी, अपने आपको अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, उसके पीछे कोई वजह? उनकी वजह यही थी कि उनका जितना भी जीवन था शुरू से, बचपन से, उनको दलित समाज होने की वजह से, महर परिवार में पैदा हुए थे, उनका जितना
उनको दबाव डाला गया, हर चीज के लिए उनको दबाया गया, तो वो हिंदू धर्म को बहुत गलत मानने लग गए और उन्होंने यही सोचा कि हमको, और उन्होंने जहां भी मनुस्मृति के बारे में पढ़ा था उनका गलत इंटरप्रिटेशन तो हो ही गया। फिर प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कि हम लोगों का ट्रीटमेंट हिंदू समाज ने बहुत बुरी तरह से किया, तो उनको छोड़ना लाजमी हो गया। और बौद्ध धर्म के अंदर इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी और उस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। सर अभी तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गई है, तो क्या वो वापस हिंदू धर्म को अपना सकते हैं जिन्होंने बौद्धिस्ट धर्म अपना लिया था? अंबेडकर जी तो चले गए और उनका जो दलित समाज है जो बौद्ध धर्म को अपना चुका है वो बौद्ध धर्म से वापस हिंदू धर्म में आ सकता है। परंतु एक चीज अपने को समझनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए, बौद्ध जैन ये सिख ये जितने भी धर्म हैं ये सारे के सारे हिंदू धर्म के पार्ट हैं, अलग नहीं है। एक बुद्धिजीवी निकले, उन्होंने अपनी विचारधारा रखी और उस विचारधारा के फॉलोअर्स हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन हो गया। आज हम लोग बौद्ध को अलग मानते हैं, जैन को अलग मानते हैं, सिख को अलग मानते हैं, परंतु ओरिजिनली बौद्ध जैन सिख और इस तरह के और भी जो समाज हैं वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, केवल वो अपने आप को मानने वाली बात है और कुछ भी नहीं। जी सर, आजकल ये जो पॉलिटिसाइज हो गया है जिसके अंदर ये हो गया है कि भैया माइनॉरिटी होने के कारण हमको माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, उसकी वजह से ये थोड़ा पॉलिटिसाइज हो गया है, लोग इसको अलग समझने लग गए। जो सच्चाई है वो तो यही है। जी सर, ये श्री एम एस डालमिया जी का भी चैटबॉक्स में यही सवाल है कि बौद्ध धर्म क्या हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है? हाँ, पार्ट मेरे हिसाब से वो पार्ट ही है जी, अलग नहीं है। जैसे आज कोई भी बुद्धिजीवी आ जाए, जैसे हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के बहुत फॉलोअर्स हो गए, उनके फॉलोअर्स हो गए परंतु थे वो सारे के सारे हिंदू। उसी तरह से आज भी बड़े सारे बुद्धिजीवी हैं, उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे इसका मतलब नहीं है उनका धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म की जो बात है वो तो उनके फॉलोअर्स ने अपनी तरफ से अलग बना दिया गया केवल पॉलिटिसाइज करने के लिए और कुछ भी नहीं। सर भूपेंद्र पालीवाल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक तो उनके साथ पूरी एक टीम हुआ करती थी जिस टीम में कुछ उस समय के ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और दूसरा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद में एक उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ लिया और उसके बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो अब लगातार हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहे हैं लेकिन उस समय ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बजाय हम दूसरों देशों की धाराएं लेने जो ली गई उनमें एक अमूलचूल परिवर्तन एक साथ कर दिया जाए तो अब हम हमारे देश के हिसाब से वो संविधान बन सके? क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये शायद हमारे लिए रिलेवेंट ही नहीं है। देखिए, जिस समय ये संविधान बना उस समय ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो बहुत जानकार नहीं थे, बहुत लोग बुद्धिजीवी थे उसके अंदर और उन सब ने सोच समझ के ये संविधान क्रिएट किया। उसके बाद जैसे जैसे कोई कोई तकलीफ आई वैसे वैसे संविधान में, और संविधान में प्रोविजन है कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर हम संविधान का बदलाव कर सकते हैं, तो फिर उन संविधान का बदलाव किया गया। अगर वो कंडीशंस नहीं होती तो बहुत सी चीजें जो आज होनी चाहिए परंतु संविधान में नहीं है वो फिर हम उनको कर नहीं पाते। परंतु कई चीजें जो संविधान में बदलाव हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वो उन्होंने जबरदस्ती कर दी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 1975 या 76 में इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव करके उनके प्रीएम्बल को बदलाव कर दिया, उसमें सेक्युलरिस्ट और सोशलिस्ट ऐड कर दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड हमको नहीं डालना है।
उसके बाद भी उन्होंने डाल दिया। इंदिरा गांधी ने तो एक चीज और डाल दी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कि संविधान को बहुत कमती मेजोरिटी से आप सारा का सारा बदल सकते हैं, कुछ ऐसा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर वो जनता गवर्नमेंट के आने के बाद मुरारजी देसाई ने उसको वापस खारिज किया कि ये सही नहीं है, इसको नहीं रहना चाहिए। तो लोग अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए भी कुछ चीज कर लेते हैं, परंतु जो बिना पॉलिटिकल एम के जो चेंजेस किए जाएं, उन चेंजेस में मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। जी धन्यवाद सर। सचिन खत्री जी दोबारा कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरा और एक सवाल नहीं, और एक मींस रिक्वेस्ट थी कि आप एक वीडियो, वो जो जेएनयू एंड जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो कार्य हैं, जो हमारे देश पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उस पर भी आप एक वीडियो बनाए, हमें उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, कोशिश करूंगा सचिन जी, अच्छा सुझाव है आपका, मैं समय के अनुसार देखता हूँ किस समय करूँ, लेकिन कोशिश करूंगा इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की, और फिर इसके ऊपर भी एक जूम सेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत, सर क्योंकि ये बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वहां पे होता रहता है, गलत गतिविधियां वहां चल रही हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेट क्या हुआ है सचिन जी, कि खासकर जेएनयू में बहुत अधिक वामपंथी विचारधारा के लोग आ गए। हाँ सर। और ये वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, ये हमारे देश के संविधान को एक तो मानते नहीं है, दूसरा उनकी सारी विचारधारा देश को तोड़ने की है। हाँ सर। और उस वजह से ये सारा का सारा जो जेएनयू में हो रहा है, ये हो रहा है। अपने जामिया के अंदर पहले इस तरह की चीज कभी नहीं हुआ करती थी। यस सर। ये उनके ऊपर वामपंथियों का जो सारा इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से उनकी सारी सोच इस तरह से हो गई। और ये सारी की सारी आप देखोगे, ये पिछले 6 सालों में हुई है, उसके पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, इस तरह की सोच वहां कभी नहीं हुआ करती थी। पर मैं कोशिश करूंगा आपके आइडिया को लेके, मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं और उसके बारे में भी बातचीत करूं। थैंक यू सर। अगर अदरवाइज भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो मेरी मेरा ईमेल है rhdalmia@dalmiacement.com। अगर बाद में भी आप कोई सवाल करना चाहो, चैट करना चाहो, मोस्ट वेलकम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात का जवाब दूं और आपको सेटिस्फाई करूं। तो अभी ऐसा है कि मार्च के महीने में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं, तो मार्च के महीने में मैं सेशंस करना अवॉइड करूंगा। मेरा अगला सेशन 4 अप्रैल, उस दिन मैं इंदिरा गांधी के बारे में बात करूंगा। इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या क्या अच्छा किया और देश के लिए क्या क्या सही नहीं किया, इन सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके बाद अगला सेशन होगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मैं कोशिश करूंगा जीबीएस सिद्धू जी को लेके आने की। वो पहले आईबी के चीफ रहे हुए हैं, उन्होंने खालिस्तान के ऊपर बहुत काम किया था, जिस समय खालिस्तान चालू हुआ था उसका सारा बैकग्राउंड किया था, कैसे शुरू किया गया था और कैसे वो कल्मिनेट हुआ, ये सारे का सारा इंदिरा गांधी संजय गांधी के समय की बातें हैं। तो 4 तारीख को मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करूंगा, 18 तारीख को स्पेसिफिकली खालिस्तान के बारे में बात करूंगा। सिद्धू साहब से मेरी बात हो गई है, तारीख निश्चित नहीं थी, उनसे दोबारा बात करके मैं 18 अप्रैल तारीख उनसे निश्चित कर लूंगा। तो ये 2 सेशन मेरे सामने हैं, उसके आगे के सेशंस जैसे भी होगा नक्की करते हुए हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज मेरे से जुड़े। जय हिंद।